K21 न्यूज के साथ मैं हूं अबीर हुसैन और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कराची में वाक़ रिहायशी इमारत में गैस लीकेज का धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। SSP सेंट्रल के मुताबिक वाक़े में जाँ बहक बच्चे की शनाख्त 8 साल मजहर के नाम से हुई। जख्मियों में उनजिला, फजल रहमान, आदिल, नौशीन, सबा और सैफुल्ला शामिल है। धमाके से 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। महमूदाबाद नाले को मॉडल नाला बनाने का फैसला, वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेरे सदारत नालों की सफाई का जायजा इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं कि महमूदाबाद नाले को 80 फीट चौड़ा करके सीमेंट बनाना होगा। हम मुतासी आपके नालों को सर्विस के नालों से अलग करना चाहते हैं। चौरंगी सनती इलाके में मौजूद तमाम चौरंगियों को खत्म करने का फैसला, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए शहरी इंतजामिया का बड़ा इकदाम। कमिश्नर कराची कहते हैं कि चौरंगियां खत्म करके ट्रैफिक सिग्नल नष्ट किए जाएंगे। ब्रूक्स, बिलाल, शान और इंडस चौरंगियां जिनमें शामिल हैं। तमाम सूरतहाल को देखते हुए मरकजी शराहों के साथ अंदरूनी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाया जाएगा। मौजूदा विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क को नुकसान का सामना है। ऑपोजिशन की तहरीक से हुकूमतें नहीं चाहती, लेकिन मांगे तांगे की हुकूमत को जाना पड़ेगा। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोरोना कोविड सिर्फ ऑपोजिशन के इज्तिमा से फैलता है, PTI के इज्तिमा से नहीं फैलता। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन ऑफिस, डेप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकतबाद और नॉर्थ कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन ऑफिस किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन 2 से 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कराची में कोरोना के 1258 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शहर में कोरोना केसेस की तादाद 1,24,774 हो गई। सुबह में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,79,240 हो गई। सिंध में कोरोना के 734 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, अस्पताल मुंतकिल। बहरोज सब्जवारी के बेटे अदाकार शहरोज सब्जवारी ने कहा कि उनके वालिद की अब तबीयत बेहतर है और वो इस वक्त भी अस्पताल में जेर इलाज है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। मुल्क भर से कोरोना के 3,499 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मजीद 39 मरीज चल बसे। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 4,06,810 केसेस, जबकि कुल अमवात की तादाद 8,205 तक जा पहुंची। मजीद 1,586 मरीज सेहत याब। कोरोना से निपटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि NCOC में फौजी और सिविलियन मरबूत नुमाइंदगी है। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए। मजीद कहा कि भारत CPAC पर काम करने वाली चीनी अफराधी कुवत और मुकामी लेबर को निशाना बनाता है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती के लिए माजूरों का दिन मनाया जा रहा है। माजूर अफराद का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में माजूरों को दरपेश मसाइल को जाहिर करना, माशरे में अफराद की अफादियत पर जोर डालना है। कराची में मजदूर अफराद मुतालबात के हक में सराफा एहतजाज, कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरी ने कहा कि हमारी जरूरियात और मसाइल बढ़ रहे हैं, जिस पर तवज्जो तो दूर की बात, कोई सुनने को तैयार नहीं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम मजदूर तबके की मुश्किल दूर कराए। कराची में जराइम पेशे नासिर की खैर नहीं, कानून के लंबे हाथ अब गैर रिवायती हथियारों से मुजरिमों की सरकोबी के लिए तैयार। कराची के बुत थानेदार की चलाने लगे, जबकि एसएचओ गबूल टाउन के मार्शल आर्ट महारत की सबकी तरफ से वाहवा की जाने लगी है। पाकिस्तान में सर्दी का 52 सारा रिकॉर्ड टूट सकता है, माहिरीन मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि मुल्क भर में 15 दिसंबर से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। 25 से 26 दिसंबर के दौरान सर्दी की शदीद लहर पाकिस्तान में दाखिल होगी। आज काउंसिल कराची के जेर एहतमाम तेज आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज। कॉन्फ्रेंस 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। कोरोना वायरस की वबा के बाद इसे महदूद कर दिया। सदर आज काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ज्यादातर डिजिटल होगी। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुजाकरात में इंतहाई अहम पेशरफ। अरब खबरसा इदारे के मुताबिक अफगान हुकूमत और तालिबान बिलाखिर 19 साल तवील जंग के बाद अब पहली मरतबा तहरीरी वादे के करीब पहुंच चुके हैं। तस्दीक अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों ने भी की है। फलस्तीन की तरह चीखता है, कोई है जो उसके आंसू का रोना सुनता है। कश्मीर तुनादी ख्वाजा तसरुख मिथल फिलिस्तीन। हमको निदामत का वक्त नहीं, कभी धोखा नहीं देंगे। फलस्तीन और मसले कश्मीर को जाकर करता गाना रिलीज कर दिया गया। तुर्की के नाम पर शायर मौसीकार तिग्रे एव्यून का तहरीर करता गाना फलस्तीनी निसाब पाकिस्तानी गुलूकारा की आवाज में रिलीज किया गया है। अदाकारा कौसर परवीन के मदह आज उनकी 57वीं बरसी मना रहे हैं। अदाकारा सुरलता पर फिल्माई जाने वाली लोरी मेरी अखियों के तारे कौसर परवीन की आवाज में थी, जो उनकी पहचान बनी।
Travis Prince, man. He just won Brazilian Nationals. What are you doing here? We gotta fight. There is always some theoretical fighter who thinks he can take on the pros. I looked in his eyes. Oh, he's got it. Everybody's gonna want to see a rematch. Hands and goat, there's no hiding. You're about to dance with the devil. That mat is gonna expose every lie and confirm every truth. और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म बॉर्न ए चैंपियन का नया ट्रेलर जारी कर दिया। फिल्म आइंदा साल नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।